मतलब ठीक है बाजी, हम लाए हैं राखियाँ, 14 राखी है जो ये टोटल 14, ये टोटल 14 राखी है जो हम हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो आज हम आए हैं शाहदरा घूमने, जैसे कि आपको पता है राखी आने वाली है, तो राखी की शॉपिंग करने आए हैं मम्मी और ताई और मैं और दीदी। सो अभी जस्ट शाहदरा तो हम पहुंच गए हैं, अब मार्केट चालू हुई है तो अब देखते हैं। सो हमने एंटर कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा रौनक है। सो हमारा मेन मोटिव जो शाहदरा आने का था वो है राखियाँ खरीदने का, पहला मोटिव था, और कुछ छोटे मोटा सामान वगैरह। तो अभी तो हम यहीं घूम घूम रहे हैं, यहाँ पे कपड़े बहुत सारे हैं और साड़ियाँ वगैरह तो बहुत सारी। सो फाइनली हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो चुकी है, मेरा बैग जो पतला आया था वो मोटा हो चुका है। और सो मम्मी बता रही है कि यहाँ पे मम्मी ने आधे से ज़्यादा अपनी सगाई की शॉपिंग वगैरह करी है, तो बता रही है कि कहाँ कहाँ से करी है, और लाइक बहुत रौनक हो रखी है यहाँ पे जन्माष्टमी की, राखी की, एट ऑल। यहाँ लगा हुआ है बहुत तगड़ा जाम और मौसम भी बहुत तगड़ा हो रहा है, जल्दी से घर निकलते हैं। सो अब हमें डर लग रहा है कि यहाँ पे जो है बारिश आने का संभावना कुछ ज़्यादा हो चुकी है, काला हो चुका है मौसम पूरा, लेट्स सी हम कितना बचते हैं और कितना नहीं। हमारी हो चुकी है शॉपिंग और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, बिकॉज बहुत तेज भूख लग रही है, और अकॉर्डिंग टू माई मम्मा यहाँ पे लस्सी बहुत फेमस है। तो मम्मी अभी आज मुझे लस्सी पिलाएंगी, सो ठीक है मम्मी। अभी तक जितनी भी शॉपिंग हुई है वो सारी मेरी हुई है, सिर्फ राखियाँ खरीदी हैं वो भी मेरी हुई एक तरह से शॉपिंग, और बहुत सारी चीज़ें खरीदी है मैंने, तो घर जाके आपको बताऊँगी क्या क्या खरीदी। यहाँ आए हैं अभी हम लस्सी पीने, जो कहती है मम्मी यहाँ की बहुत फेमस है। ओह माय गॉड, अभी मैंने लस्सी पी और भाई साहब इतनी टेस्टी लस्सी, मैं लस्सी बहुत कम पीती हूँ, मैं मलाई पसंद नहीं करती, पर आज जो मैंने लस्सी पी ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। सो फाइनली हम घर आ चुके हैं और मम्मी जो है वो खाना खाने बैठ चुकी है, मैं खाना नहीं खा रही बिकॉज वो लस्सी का ग्लास इतना बड़ा था कि मेरा लाइक पेट भर चुका है, मेरे अंदर जगह भी नहीं है पेट में इतनी सी भी कि मैं कुछ खा पाऊँ। और अभी आयुष जो है वो राखियाँ वगैरह देख रहा है, आप सबको भी मैं दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लाए हैं। सो अभी जस्ट थोड़ा खाना वाना खा लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सामान, बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि सारी शॉपिंग जितनी हुई है ना सारी मेरी ही हुई है, और मैं आपको बहुत जल्द दिखाती हूँ, बस थोड़ी देर और। सो हमारे जो भैया जी हैं इनकी थोड़ी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, आज इनकी PTM भी थी, बहुत बहुत अच्छी रही, इसे थोड़ा बुखार बुखार हो रखा है तो ये आजकल बहुत शांत है। सो फाइनली अब हम खा पी के सब कुछ फ्री हो चुके हैं सब जगह से, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। सो पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये चुन्नी जो हम लाए हैं शाहदरा से। सो ये जो चुन्नी है ये हमें 200 की पड़ी है। सो जो मैं राखी में पहनने वाली हूँ तो ये उसके लिए, अभी वो ड्रेस का डिसाइड नहीं हुआ है, अगर मैं वो पहनूंगी तो ये चुन्नी मैं उस पर पहनूंगी। सो मुझे ब्लैक कलर की चुन्नी बहुत टाइम से चाहिए थी तो फाइनली मैं ले आई हूँ। सो ये बहुत प्यारी लग रही है, घर में आ गए तो मुझे और प्यारी लग रही है, हेयर इट इज़। सो ये हमारी पहली चीज़ हो चुकी है। उसके बाद मैंने लिया है एक सूट, मम्मी ने मुझे काफ़ी टाइम पहले से दिलाना था एक सूट, तो वो अब हम लेकर आ गए फाइनली। ये अनस्टिच मतलब कपड़ा कपड़ा है, सिर्फ कुर्ते का पूरा सेट है ये, अभी सी पता नहीं सिलने के लिए कब जाएगा। नहीं वो बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें ब्लू कलर भी था बट मेरे को पिंक ज़्यादा अच्छा लगा। ये इसकी नीचे के लिए कपड़ा, और ये इसकी चुन्नी, चुन्नी बहुत हल्की सी है, इतनी हैवी नहीं है, कॉस्ट होता बहुत हैवी है। तीसरा हम लाए हैं राखियाँ इतनी सारी, और क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई हैं और मम्मी के भी भाई हैं, और राखियाँ तो चाहिए थी हमें, 14 राखियाँ हैं जो ये टोटल 14 राखियाँ जो हम सो हम राखियाँ भी लेकर आए हैं, और ये पूरी टोटल 14 राखियाँ हैं,
और काफ़ी प्यारी प्यारे डिज़ाइन है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको किसका इसका पास्ता थोड़ा डिज़ाइन थोड़ी देर बाद। और जो हमारी लास्ट चीज़ है वो हम लाए हैं कपड़े साइड में रखते हैं। वो लाए हैं हम सैंडल मेरे लिए, मेरे को बहुत टाइम से चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी वो अब आ चुकी हैं। सैंडल्स भी आ चुकी हैं, कपड़े भी आ चुके हैं, अब उन्हें जल्दी से पहन देंगे और घूमेंगे फिरेंगे जल्दी। और आपको दिखाते हैं राखियाँ वगैरह पास। सो ये रही राखियाँ, तो जहाँ के बज रहे हैं 7:30 और हम सो के रेस्ट वेस्ट करके अपने मतलब उठ चुके हैं। मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी थी, अब भाई अपनी ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन और अब हम जा रहे हैं, मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर सब्जी वब्जी लेने और छोटा मोटा सामान लेने। सो चलते हैं। और सो फाइनली हम घर आ चुके हैं और बाहर इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी, मेरे पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके हैं। और हम फाइनली सब्जी वगैरह लेके आ चुके हैं और जो मैं राखी में पहनने वाली हूँ सो उसके लिए कुछ सामान वामान चाहिए था वो भी लिया है। और अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। जैसे कि आपको पता है राखी आने वाली है तो उसका भी व्लॉग आएगा एंड बहुत सारे व्लॉग अब आएंगे। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।